अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल रा टीवी की वसादत से आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम हालात हाजरा के ऊपर मुख्तलिफ मौजूदात के ऊपर बात किया करेंगे और इसमें हम जो आज का प्रोग्राम है इसमें हम चाह रहे हैं कि बच्चों की तरबियत के बारे में कुछ बात की जाए। ज़रूर। और इसके लिए हमने आज हमारे साथ मेरे मेहमान हैं जनाब हाफिज कारी नदीम सिद्दीकी साहब, और मैं बग़ैर किसी ताखीर के इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि नदीम भाई, आप मुझे बताइए कि बच्चों की तरबियत के बारे में आप का क्या ख्याल है, बच्चों की तरबियत के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया शौकत भाई आपका, बहुत नवाजिश। बहुत अहम मौजू पर आपने जो है ये प्रोग्राम शुरू करने का सोचा। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग जहाँ तक ये आवाज़ हमारी जाएगी और लोग सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। बच्चों की तरबियत का सबसे पहला, जैसा कि मशहूर बात है कि माँ की गोद से जो है तरबियत शुरू होती है बच्चे की, और हमें बच्चों की तरबियत पे अगर हमें फ़ोकस करना है तो हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में लाना होगा कि बच्चों के माँ बाप की इस्लाह हो चुकी है। बच्चों के माँ बाप के पास ये शऊर है कि बच्चों की तरबियत के लिए ये जो स्कूल की तालीम है सिर्फ़ यही काफ़ी है, या हम मदरसे में जो बच्चों को भेज रहे हैं बस क्या हमारी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई है? ये हमें सोचना होगा कि वाकई सही है नहीं। इस बारे में आपके जहन में कोई बात है तो बताएँ। जैसे कि मेरे जहन में एक सवाल आता है जी कि क्या ये ज़रूरी है कि हम एक 4 साल के और एक 5 साल के बच्चे को या बच्ची को मतलब मस्जिद में और कारी के पास भेजते हैं और फिर हम आए दिन ये वाक़यात सुनते रहते हैं कि जो है ना वो मस्जिदों में और बच्चों के साथ क्या क्या ज्यादती होती है? बिल्कुल। तो एक 4 साल का या 5 साल का जो बच्चा है जी, वो उसको तो कुछ समझ नहीं है। बिल्कुल। वो मतलब मेरा सवाल समय आप समझ रहे होंगे जी हाँ। कि इतनी उम्र में और घर से फिर बड़ी जबरदस्ती होती है, माँ बाप मार पीट के जो है भेज रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है कि मार पीट के भेज रहे होते हैं, बच्चा रो रहा होता है और वो जो है ना उसका हाथ में दे के भेजने की कोशिश करते हैं और प्लस उसको जो है ना घर से कुछ भी ये बता के नहीं भेजा जाता कि किस बात से होशियार रहना है, किस बात से होशियार रहना है, बचना है। मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर जो है ना कोई बात करें। ये तो इंतहाई आपने नाजुक बात की है। हमारे माशरे की बदकिस्मती यही तो है कि इस तरफ जैसे आपने इशारा किया कि बच्चों के साथ ज्यादती जो होती है, और ये बात कोई ढकी छुपी तो है नहीं। बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि हमारे माशरे में लोगों के जहनों में ये बात नहीं है। सबको पता है कि मसाजिद से अक्सर वाकयात इस किस्म के सामने आ चुके हैं। यहाँ तक कि आपको याद होगा कुछ अर्से पहले फेसबुक पर भी ये वीडियो वायरल हुई थी कि एक मौलवी ने मस्जिद में 8 साल के बच्चे के साथ ज्यादती करके और फिर उसको इस खौफ से कि ये बता ना दे बाहर जाकर उसको कत्ल कर दिया था। और यानी इस किस्म के वाकयात सुनने के बावजूद भी मौलवियों की वजह से जहन ये बनाया हुआ है कि बच्चे को अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसकी निस्बत से मैं ये कहने पे यानी मजबूर हो गया हूँ और सोचने पर मजबूर हो गया हूँ, और अक्सर मैं लोगों को मौका मिलता है तो बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई कुरान पाक पढ़ाना बेशक ज़रूरी तो है जी, लेकिन जिस तरह पहले ज़माने में होता था कि घरों की बड़ी बूढ़ियाँ बुज़ुर्ग माएँ दादी के तौर पे नानी के तौर पे बच्चों को कुरान घर में पढ़ाती थी, उस वक्त माहौल बाहर भी इतना गंदा नहीं था मस्जिदों का। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त ये था, लेकिन उसके बाद अब एक ऐसा ज़माना ये आ रहा है आ गया है कि अब घरों में वो माहौल नहीं रहा कि बच्चे को घर में कुरान पढ़ाया जाए। कुरान पढ़ाना ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन मौलवी इसी पर ज़ोर देता है कि बच्चों को तालीम दो, दीन की तालीम दो। लेकिन लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं कि यही दीन की तालीम देने वाले जो हैं ये हवस का शिकार बनाते हैं इन मासूम बच्चों को। और जैसे आपने कहा कि एक 8 साल का, 7 साल का, 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा आप मदरसे में तो भेज रहे हैं, अब अगर मौलवी साहब उससे नापाक दस्त दराजी करेंगे तो आप ये देखें कि उस बच्चे का क्या हाल होगा।
वो तो जुर्रत नहीं कर सकता मुस्तकबिल बोलने। तबाह हो जाता है यकीन जाने, और वो बोल नहीं सकता खौफ घर के पे मारे, घर के बाहर में जाके वो घर में बताता भी नहीं। जाके नहीं बता सकता। मौलवी साहब से भी वो कोई, अगर वो हाथ हटाने के हल्का सा यूं करेगा तो एक थप्पड़ पड़ेगा, एक डंडा पड़ेगा उसके ऊपर और वो डर के मारे जो है खौफ में, घर में जाके ये बात बताता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या हो रहा है, और वो कंटिन्यूस होता रहता है। होता रहता है। तो ये एक लानत है इस माशरे में, हमारे अंदर लोगों को ये शऊर होना चाहिए कि कुरान पाक का एहतमाम अगर पढ़ाने का आपने करना है तो कुछ ऐसी यानी ऑथेंटिक जगह पे या तो भेजें जहाँ आपको पता हो 100% श्योर हो कि भाई ये जो मदरसा है यहाँ पर मेरे बच्चे के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती कोई तो नहीं हो ज्यादा रही। नहीं होगी बेशक, और वो जो पढ़ा रहा है हाँ, उसके कैरेक्टर किरदार। के बारे में आपको जानना चाहिए, घर हाँ वालों को माँ बाप को ये जानना चाहिए कि ये जो बंदा जिसके पास आप भेज रहे जी हैं हाँ, उसके कैरेक्टर के बारे में आपको, आप कंफर्म होना अगर चाहिए। आपके एरिया क्या है हाँ ना, तो आपको उसके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए। ये आप ही के सिर्फ बच्चों का सवाल नहीं है सही बात है, बल्कि ये दीगर बच्चों का भी है उस इलाके के जितने बच्चे हैं सबके उन साथ। सबके साथ ये हो सकता है। जी हाँ, तो ये बहुत नाजुक मसला है। बहुत ही नाजुक मसला है इसमें। नहीं, आपकी बात से मुझे याद आया कि ये कराची की बात है, नाम नहीं लूँगा मस्जिद का ना मौलाना का, लेकिन मैं खुद उस वाक़े से वाकिफ़ था। एक साहब वहाँ पर किसी मस्जिद में, एक इमाम साहब थे और वो मदरसे में पढ़ाते भी थे और काफ़ी अरसे तक वो पढ़ाते रहे। 1.5 साल के बाद तो पता चला कि उनको जो है मस्जिद वालों ने मार पीट के निकाल दिया। ये वाक़या बहुत मशहूर हुआ, फैला। उन साहब से भी यानी मेरी जान पहचान थी जिन साहब को निकाला गया। फिर पता चला 1.5 साल के बाद कि वो किसी दूर इलाके में, यही उलमा इकराम जिनको हम उलमा इकराम कह रहे हैं ना, ये साथ बने हुए जो मस्जिदों में मौलवियों को सेट करवाने वाले उलमा हैं जिनको हम कहते हैं, बड़े बड़े दारुलूम से आते हैं लोग। ये क्या करते हैं कि जब एक मौलवी ज़्यादती में कहीं पकड़ा जाता है तो लोगों से उसको छुड़ा लेते हैं कि जी हम इनसे निमट लेंगे, और फिर उनको दबाते हैं लोगों को कि भाई आप क्या शोर मचा रहे हैं, अगर आपने आवाज़ उठाई तो दीन बदनाम हो दीन जाएगा। बदनाम हो जाएगा, और इस बात पे माँ बाप भी इस खामोश बात हो पे जाते हैं, लोग लोग खामोश हो खामोश हो जाते जाते हैं, हैं। और फिर जनाब ना उसको पुलिस में दिया जाता है कि भाई दीन बदनाम ना हो जाए, कुरान पढ़ाने वाले का नाम आएगा कुरान की, और ये इस तरह से मौलवी दबा देते हैं माशरे में बात। और फिर उस मौलवी को ये नहीं करते कि उसके ऊपर हराम कर दिया जाए कि अब तू पढ़ा नहीं सकता, ये नहीं होता, बल्कि उल्टा ये होता है कि किसी दूर इलाके की मस्जिद में उसकी ड्यूटी लग जाती है। फिर 1.5 साल के बाद वो वहाँ पर पकड़ा जाता है, तो हाय उस शख्स का पता चला 1.5-2 साल के बाद कि वो किसी और इलाके में जहाँ चला गया वहाँ पर भी उसने वही फेल किया, और फिर वो मारपीट मारपीट हुई, सब कुछ हुआ, फिर तीसरी जगह वो चला गया। तो उस वाक़े से मेरे दिल पर इतना गहरा असर हुआ कि ये यानी हम समझते थे कि हमारे जो यानी एक तो होते हैं ना मस्जिद के आम मौलवी कहलाते हैं कि जी हम तो आलिम नहीं हैं, हम सिर्फ इमाम साहब हैं, उनके ऊपर होते हैं उलमा जिनको हम कहते हैं ये तो बहुत बड़े साहिब इल्म है या फलां दारुलूम के ये मोहतमिम हैं और इन्होंने मदरसों में ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, उनको बड़ा मोतबर समझा जाता है। लेकिन क्या करें फितने का हाय कि वो जो बड़े असातिज़ा हैं वो खुद यही काम में इसी मुलव्वस में हैं, इन्वॉल्व खुद इसमें मुलव्वस हैं। है।